लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुंदर मोहन त्रिपाठी मामले ने पकड़ी धार, पहले दिन की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस गरम। अभी अभी प्राप्त खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मोहम्मद सादिकपुर गांव के लोगों ने मुरादाबाद विद्युत भवन के बाहर दिया धरना। उनकी मांग है अपने गांव को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ने की। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की बिजली कंपनी रिलायंस के बाहर लोगों ने दिया पावर कट्स के खिलाफ धरना। द स्पार्क इन उत्तराखंड हैज ब्लूम्ड इनटू फायर एज 3 सेशन कोर्ट्स गिव जजमेंट इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर। पूरी जिंदगी बड़े बड़े बिल भरते निकली ठहरी, अब कोई लड़ रहा है उम्मीद जागी बल। चार बार बोल गए कलेक्शन जोड़े गए पर कोई नहीं आया, घर खरीद के भी अंधेरे में ही रखा है ठहरा एसपीटीएल ने। देश भर के इलेक्ट्रिक कंपनीज के बाहर जनता के भेजे फ्यूज बल्ब की भरमार। आम आदमी अब खुल के कह रहा है मुझे शिकायत है। और अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में वकील एस के पंत की अपने दोस्त सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत को लेकर मेरे ऑपोजिशन का मानना है मिलोर्ड के उनके क्लाइंट सुंदर मोहन त्रिपाठी ने आत्महत्या की थी। सच तो यह है कि उन्होंने आत्महत्या इंश्योरेंस के क्लेम के लिए की। और यह साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जीवन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डिस्पर्समेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी भागवत उपाध्याय को। भागवत जी, आपको सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत की खबर कब मिली? वो तो 11 दिसंबर को मिल गई ठहरी और हमने इंश्योरेंस क्लेम के डिस्पर्समेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया ठहरा। पर जब हम चौथे में गए तब पता चला उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन्हें तो सुसाइड की ठहरी। और ये आपको कैसे पता चला? वो उनकी दोस्त या फिर शायद होने वाली मंगेतर ललिता नौटियाल जी से पुलिस के सामने उनने ऐलान किया था। थैंक यू। तो बात साफ है मिलोर्ड, सुंदर मोहन त्रिपाठी ने सोच समझ कर कदम उठाया ताकि उनकी मौत के बाद इंश्योरेंस के पैसे से उनके सारे कर्जे चुकाए जा सके, लेकिन आत्महत्या वाले खुलासे ने सारी बात पलट दी। वाह, क्या चप्पल है रिजवी मैडम जी, आप मिंत्रा की सेल से लिए बल। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड। सस्टेन्ड। आपको शॉपिंग का मन कर रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले ले। नहीं जनाब, वो क्या है कि बिल की वजह से जान गई, पर ये बीमा के बारे में बात की जा रही है तो मुझे लगा मैं लगे हाथ थोड़ा चप्पल उप्पल का डिस्कशन कर लूं मैडम। ऑर्डर ऑर्डर सही है। अरे टीवी पे हजार बार आता है जनाब, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, निवेश करने से पहले कृपया निवेश पत्र। ऑर्डर। मेरे क्लाइंट सुंदर मोहन त्रिपाठी इतने बेवकूफ भी नहीं थे जनाब कि इतनी सी बात ना जानते। मिलोर्ड, 14 दिसंबर को त्रिपाठी परिवार के इंश्योरेंस क्लेम डालते ही अगले दिन 15 दिसंबर को पंत जी ने केस दायर किया एसपीटीएल पर, क्योंकि तब तक इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देने से मुकर चुकी थी। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, सारे फैसले गुणान मैडम ही सुनाएंगी तो यहाँ मैं और आप क्या कर रहे हैं? जस्टेन, ये महज एक इत्तफाक था, सुंदर तो नवंबर से ही केस डालना चाहता था जिसके लिए पंत जी ने उन्हें मना किया। मिलोर्ड, मेरे अगले विटनेस है सुशील कुमार पंत। आप पंजी को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ? लॉर्ड, उनके दोस्त होने के नाते मेरे लिए इम्पोर्टेंट विटनेस है। ठीक है, अगर इन्हें मंजूर है तो कोर्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट माइंड जनाब, आइए चप्पल का बताइए। पंत जी उर्फ एसके जी, गुल्लू जी, ये बुलाते हैं ना आपके दोस्त आपको। नवंबर में जब वो दोनों आपके पास आए तो क्या हुआ? क्या हुआ? खाना वाना खाया ठहरा, गप्पे शप्पे मारी और चले गए घर। आप दोस्त होती तो आपको और अच्छे से बताता। कैसी दोस्त? जैसे सुंदर था या जैसे ललिता? आपकी दोस्त मतलब? दोनों में क्या फर्क ठहरा गुलनाथ जी? मिलोर्ड, एसके ललिता और सुंदर के बीच आपसी रिश्तों को लेकर तनाव था, इसीलिए ना एसके ने उनकी मदद की और आखिरी के दो महीनों में कोई कॉल किया। और जब आखिरी बार नवंबर में मसूरी के हिलटॉप रेस्टोरेंट पर मिले तो उनका एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, केस से फिर हट रही है गुलनाथ जी। केस पे तो मैं अब आ रही हूं मिलोर्ड, आपसी तनाव था मोटिव सुसाइड का। ओवररूल्ड। थैंक यू मिलोर्ड, मगर इस ऑब्जेक्शन में कोई तार छेड़ा है तो मैं बुलाना चाहूंगी इस तार के दूसरे सिरे यानी ललिता नौटियाल को। सुंदर के साथ आपके क्या ताल्लुकात थे? जी वो मेरा फ्रेंड ठहरा, बचपन का दोस्त। लेकिन भागवत जी ने तो आपको मंगेतर ठहराया बल। लो, आप तो हमारी बोली बोल रही बल। भाषा और लोगों की पहचान है,
नॉटी, ये कर बुलाते थे ना एसके सुंदर आपको। ललिता जी, आपने एक हफ्ते में कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको एसके नहीं सुंदर पसंद है? ऑब्जेक्शन जनाब, इसका क्या ताल्लुक है केस से? ओवररूल्ड, पर्सनल लाइफ एक अहम वजह है सुसाइड के केस के लिए। प्लीज कंटिन्यू। जी, सुंदर लाटा था। लाटा? स्टूपिड, गुल्लू स्टूपिड। दुनियादारी ना आई ठहरी उसे। यानी पंत जी का काइयापन आपको शुरू से पसंद नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने ऐसे कहना चाहा? ऑब्जेक्शन जनाब, गुलनार जी अंतर्यामी हैं, कौन कब क्या कहना चाहता है ये भी जानती हैं। सस्टेन्ड डिफेंस, जल्दी मुद्दे पे आइए। सॉरी मिलोट, मुद्दा है मोटिव। सुंदर सुशील ललिता बचपन के दोस्त थे, दोस्ती बदली प्यार में और प्यार बदला जलन में, और इसी जलन की वजह से एसके सुंदर और ललिता से कट गए और उन्होंने अपने दोस्त की मदद नहीं की, और अब यहाँ अपने पाप धोने में जुटे हैं और फजूल में वजह बता रहे हैं एसपीटीएल को। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बिल्कुल गलत ठहरी है बात। फैसले वाले दोस्त ना ठहरे, हम जान देते थे एक दूसरे पे। हमारी वजह से जान ना ले सकने वाला ठहरा वो। जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दीजिए ललिता जी। मिस्टर पंत, एनी क्वेश्चंस? जी बिल्कुल। और फिर राकेश ने सुनीता को अपनी ओर खींचा, उसकी साड़ी का एक सिरा उलझ गया था गुलाब के कांटों में। और भी है जनाब, ये कहां से मिली आपको? इससे पहले के दोनों के लब टकराते कमरे का किवाड़ खुला और दोनों ने क्या देखा? सुरिंदर वहां खड़ा था, आंखें गुलाबी लाल। सॉरी जनाब, सॉरी। देखिए मैं वकील हूँ, सुराग खुद मेरे पास चल के आ जाता है। ये देखिए, गुलनार जी ने जो कहानी सुनाई है उसकी प्रेरणा साधु सरिता और सेक्स। ऑर्डर, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे कोर्ट में? आपको जो भी कहना है सामने आके कहिए। सॉरी जनाब, निजी मसला 54 लाख के बिल के ऊपर कभी उठाई नहीं जनाब। और यहाँ बाकी जो भी बातें हो रही है ना, इंश्योरेंस, पर्सनल लाइफ, ये सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। आपके लिए सिर्फ एक केस होगा मैडम, हमारे लिए लड़ाई है उम्मीद की, वजह एसपीटीएल है और ये मैं साबित करके ही रहूंगा। सूरज पावर्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। कंपनी की प्रतिष्ठा खतरे में आते देख कंपनी के ओनर संजय भदौरिया दिल्ली से यहाँ पहुँच चुके हैं। आज तड़के ही 8-10 घंटे का पावर कट सहने के बाद सिलाकी के पास के गांव वालों ने हाईवे नंबर 72 पर चक्का जाम कर दिया। आज हर कोई इस केस से उम्मीद लगाए बैठा है। क्या एक मौत ही हिला सकती है पूरे सिस्टम को? प्राइवेट कंपनी या सरकार, कौन जिम्मेदार? जनाब, लघु उद्योग व्यापार सब्सिडी तो यूके प्रिंट्स एंड पैकेजिंग के बिल में कभी जोड़ी ही नहीं गई। अब वो अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें क्या पता कि लघु उद्योग या फिर टाटा बिरला है नहीं? जुलाई से सितंबर तक जी मेगलेक्स नाम की दवाई की डिमांड कम हुई तो डिब्बों की पैकेजिंग और छपाई कम ठहरी, लेकिन बिल बढ़ गई आता गया बल। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कल को कह देंगे छपाई ही नहीं हुई, फिर सीधे सीधे दोषी एसपीटीएल के मालिक हैं, और कौन है? इन्हीं की वजह से जान गई है मेरी बेटी। अब मैं बुलाना चाहूंगा एसपीटीएल के मालिक संजय भदौड़िया का, जिनको अपने बिजी स्केड्यूल में से अपना कीमती वक्त निकालकर हेलीकॉप्टर पकड़कर यहां आना पड़ा जनाब। भदौड़िया साहब, जब बात फॉल्टी मीटर की ही थी तो बस एक मीटर के बदलने से पूरा मसला ही हल हो जाता, फिर एसपीटीएल ने नया मीटर लगाने की जगह चेक मीटर क्यों लगाया? इसलिए कि एसपीटीएल के पास 5 लाख मीटर कम है। जनाब, इतनी बड़ी बिजली कंपनी और मीटर की शॉर्टेज, रेगुलरिटी कमीशन के आदेश अनुसार किसी भी बिजली कंपनी को हमेशा कम से कम 2 लाख मीटर स्टॉक में रखने होते हैं, वो तो दूर की बात, यहां पर तो शॉर्टेज ठहरी। जराना,
शायद वकील साहब नहीं जानते कि हमारा जो सेक्टर है वो एक लॉस मेकिंग सेक्टर है। इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि 2020 तक हमारे लॉसेस 20% से गिरकर 14% हो जाए, और इन लॉसेस की वजह मैं पूरी अदालत को बताना चाहूंगा। गुलनार जी प्लीज। योर ऑनर, बिजली की चोरी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यहीं पर होती है। आपको लाइंस खींची गई नजर आती हैं? पंत साहब के मोहल्ले में अगर आप गौर से देखेंगे तो ठीक ऐसी ही लाइंस नजर आएंगी। जिन लोगों के लिए 24 घंटे काम करते हैं, अगर वो हमसे ही चोरी करें तो हम कहां जाएं? सो सॉरी। इस गरीब इंसान की दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये बात अलग है जनाब कि उत्तराखंड में एसपीटीएल के स्टाफ वालों के 800 घरों में इलेक्ट्रिसिटी ये फ्री में देते हैं, गरीब इंसान के घर में कनेक्शन भी नहीं और स्टाफ को फ्री फंड में। वो छोड़िए, एक बात बताइए कि बेचारे एसपीटीएल के पास औसतन जो 2500 कंप्लेंट रोज आती हैं, उनमें से आप तक कितनी पहुंचती हैं? हमारे पास ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट है, सरकार द्वारा नियुक्त किया गया शिकायत मंच है, रेगुलेटरी कमीशन है, और सबसे ज्यादा हमारे होनहार काबिल एम्प्लॉय हैं। आपकी कंपनी के ऐसे ही होनहार काबिल एम्प्लॉय ने इस केस को कैसे हैंडल किया, अब हम आपको वो दिखाते हैं, क्योंकि एक वीडियो तो हमारा भी बनता है ना सर। ध्यान से देखिएगा गुलनार जी, आप ही के लिए है। उप्रेती, दाम तय किया तुम्हारा 10 लाख। छोटा मुंह बड़ी बात, सरकार पर महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऊपर से GST और लग गया, तो 2% से 4% तो हो ही सकने वाला ठहरा था। बल हाँ उतना जितना पचे पंत जी, चलिए 20 लाख। दाल रोटी तो हो जाती है, पर कभी कभी ये फॉरन वाला लॉलीपॉप भी खाने का मन करता है सर, प्लीज। 25 लाख फाइनल, बात यहीं खत्म करते हैं। एक 2% के वकील को खरीदने की जगह अगर आपकी कंपनी ने 2 लाख मीटर खरीद लिए होते तो आपको दिन नहीं देखना पड़ता। वैसे पिछले महीने सुना आपके पिताजी का निधन हो गया है, बहुत बुरा लगा सुन के। आपको कैसे मालूम? क्या बात कर रहे हैं सर, दैनिक जागरण, भास्कर, हिंदुस्तान और जितने भी बड़े पेपर्स हैं सब में ओबिचुरी पड़ी ठहरी, लेकिन वो प्रभात चिंगारी में ऐड नहीं दिया आपने, क्यों? क्योंकि ये मेरा निजी मामला है और वैसे भी वो पेपर कोई नहीं पढ़ता। शाबाश, प्रभात चिंगारी कोई नहीं पढ़ता, लेकिन SPTL को टैरिफ के लिए जब ऐड डालना होता है तो प्रभात चिंगारी में ही डालते हैं जनाब। एक आखिरी सवाल, वो मीटर के अंदर जो 24 घंटे छोटी सी लाइट जलती रहती है वो वहां क्यों है? हमारी कंपनी के मीटर सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे DR, Venue, और कभी कभी कंज्यूमर के मीटर्स को। वो लाइट कंज्यूमर को हमेशा अंधेरे में रखने के लिए ही लगाई गई है जनाब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डायरेक्ट अटैक नो प्रूफ, एक छोटी सी लाइट से कोई क्या कमा लेगा? अंडरस्टैंड। इस बात का जवाब भी भदौड़िया साहब ही देंगे। तो उस छोटी सी लाइट का पर डे कंज्यूमर को कितना खर्चा पड़ता होगा भदौड़िया साहब? यही कोई 4.5-5 पैसा। 5 पैसा एक दिन का, 4 करोड़ उपभोक्ता, तो कितना पैसा हो गया? 0 हम जैसों से बेहतर तो आप ही गिनना जानते होंगे। तो महीने का कितना कमाया आपने और साल का कितना कमाया SPTL ने? 73 करोड़, एक छोटी सी लाइट का जिसकी किसी को जरूरत है ही नहीं। बढ़िया, कमाल ही ठहरा जनाब। एक लॉस मेकिंग कंपनी 73 करोड़ का मुनाफा कमाती है एक फालतू सी लाइट से, लेकिन फॉल्टी मीटर चेंज करने के लिए उनके पास 1000 रुपए भी नहीं है, फिर उसकी वजह से किसी बेमोल की जान क्यों ना चली जाए। अब ना ही भदौड़िया साहब के पास कुछ कहने के लिए बचा है और ना ही गुलनार जी के पास कोई नया झूठा सच। ये केस जनाब पानी की तरह साफ है, दैट्स ऑल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लॉयर SK Pant grilled SPTL chief Mr. Sanjay Bhadauria in the court today and raised some pertinent questions. Is he poised to win? सुंदर मोहन त्रिपाठी मामले में अब आम आदमी की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
बिजली वितरण से परेशान जनता की नजरें अब है हाईकोर्ट के फैसले पर।